डेड सी क्या है और इसका क्या रहस्य है? डेड सी यानी मृत सागर के बारे में आपने शायद कहीं सुना होगा या शायद किताबों में इसके बारे में पढ़ा भी हो, लेकिन इसका नाम आपको भी हैरान जरूर करता होगा कि आखिर किसी सागर का नाम डेड सी यानी मृत सागर कैसे रखा जा सकता है। लेकिन इससे जुड़े किस्से और इस सागर की खूबियां भी इसके नाम की तरह ही काफी दिलचस्प हैं, जिन्हें जानकर आपको इस डेड सी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एनी टाइम रीड में आपका स्वागत है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और जानते रहिए। एनी टाइम रीड की ज्योग्राफी सीरीज के पहले एपिसोड में आज हम आपको डेड सी से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। डेड सी का पूर्वी तट जॉर्डन है तो दक्षिण पश्चिमी तट इसराइल है। समुद्री तल से 400 मीटर नीचे स्थित ये सागर दुनिया का सबसे निचला सागर है और इसका पानी खारा होने के कारण इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ये सागर 65 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा है। वैसे तो दुनिया के अधिकतर समुद्रों का पानी खारा या नमकीन होता है, जिससे समुद्री पानी का घनत्व काफी बढ़ जाता है और समुद्रों का खारा पानी काफी भारी हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि डेड सी का पानी सामान्य समुद्री पानी की तुलना में 6 से 7 गुना ज्यादा खारा है। इसका पानी न केवल खारा है बल्कि इसमें कैल्शियम, जिंक, सल्फर, पोटैश, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम जैसे खनिज लवण भी मौजूद हैं, जिसके कारण इस सागर के नमक का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जा सकता है। नमक की अधिकता के कारण ही इसमें मछली और दूसरे समुद्री जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, और अगर अनजाने में कोई समुद्री जीव इस सागर में आ जाता है तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। समुद्री जीवों के अलावा यहाँ जलीय पौधे भी नहीं पनप पाते, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और शैवाल ही यहाँ पाए जाते हैं। इसी वजह से इस सागर को मृत सागर यानी कि डेड सी कहा जाने लगा और ये नाम एक ग्रीक लेखक द्वारा दिया गया था। डेड सी का घनत्व इतना ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति इस सागर में सीधा लेट जाए तो वह व्यक्ति डूबेगा नहीं और बिना किसी डर के आसानी से तैर सकेगा। इस सागर की ऐसी अनोखी खूबी की वजह से इसे 2007 में विश्व के 7 अजूबे में से चुने गए 28 जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस डेड सी में नदियों और बारिश के जरिए ताजा पानी भी आता रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण और हवा बहुत ही शुष्क है और तापमान भी पूरे साल गर्म ही बना रहता है, जिसके कारण वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन तेजी से होता है और हर साल इस मृत सागर का पानी 1 मीटर से ज्यादा कम हो जाता है, जिससे इस सागर की लवणता बढ़ती जाती है। डेड सी का नमक भले ही हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल औषधियों और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सागर में मिलने वाला नमक और खनिज लवण हमारे बहुत कीमती और उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसमें मौजूद औषधीय गुणों के चलते कई लाइलाज रोगों के इलाज के लिए मृत सागर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सोरायसिस, गठिया, एक्जिमा, चकत्ते पड़ने जैसे त्वचा रोग और पुराने घावों के उपचार शामिल है। इसके पानी में मौजूद नमक और खनिज मिलकर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके तनी हुई नसों को राहत पहुँचाते। आज डेड सी एशिया के मेडिकल टूरिज्म के रूप में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इसके निकट पर्यटन केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं और इस सागर के किनारे की काली मिट्टी और नमक से मठ थेरेपी और कई तरह के स्पा के जरिए भी इलाज किया जाने लगा है। अब आप जान चुके हैं कि डेड सी सागर का नाम कैसे पड़ा। साथ ही हमने यह भी जाना कि अनुपयोगी लगने वाली चीजें भी कुछ न कुछ उपयोग तो जरूर रखती हैं, बिल्कुल मृत सागर की तरह, जिसे इसके खारे पानी के कारण लंबे समय तक अनुपयोगी समझा जाता रहा है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार इसके पानी से भी बहुत से फायदे लिए जा सकते हैं। ऐसे में आप भी अपने आसपास मौजूद चीजों को अनुपयोगी समझने से पहले एक बार गौर करके जरूर देखिए, शायद आपको उनका सही मूल्य और उपयोग भी समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि एनी टाइम रीड पर डेड सी यानी मृत सागर क्या है और इसका रहस्य क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही।